अस्सलाम वालेकुम। और आज हम ब्लेंडर के इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो ब्लेंडर की स्क्रीन पर हमें तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। नंबर वन क्यूब, नंबर टू लैम्प और नंबर थ्री है कैमरा। जो क्यूब है, इस क्यूब को हम यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि इस क्यूब से हम गाड़ी बनाना चाहें, गाड़ी भी बना सकते हैं। इस ब्लेंडर के फीचर्स को यूज़ करते हुए बिल्डिंग्स बनाना चाहें, हम बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं इस क्यूब को यूज़ करते हुए। और उसके बाद आता है हमारे पास लैम्प। इस लैम्प जो है, ये लैम्प जो है हमें सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है, यानी रोशनी देता है जिस जगह पर हम इसको प्लेस करते हैं। उसके बाद आता है कैमरा। ये कैमरा जो है, ये पॉइंट आउट कर रहा है कि किस जगह पर जो एनिमेशन क्रिएट हो रही है उसको ये ट्रैक कर रहा है। ये आप अगर जानना चाहते हैं कि जो कैमरे का फोकस है वो किस साइड पर है, तो ये देखें, ये जो ट्राई एंगल है ये हमें ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो कैमरे का फोकस है वो क्यूब की ही तरफ है। तो हम ये चेक करते हैं कि आप ये फोकस हमारा किस तरफ है, तो हम कीबोर्ड पर जीरो प्रेस करेंगे। उस कीबोर्ड, अब आप देखें कि जो हमारा फोकस है वो हमें सामने आ रहा है, ये कैमरे का फोकस है। हम दोबारा जीरो प्रेस करते हैं, देखें ये हमारा जो फोकस है कैमरे का वो क्यूब की तरफ ही है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो है दो तरह के टूल बार्स होते हैं ब्लेंडर के अंदर। एक होता है राइट टूल बार और दूसरा होता है लेफ्ट टूल बार। ये हमारा लेफ्ट टूल बार है और ये वाला हमारा राइट टूल बार है। जो राइट टूल बार है, इसके ऊपर आप टॉप पर देखें, ये आपको ऑप्शंस नजर आ रहा होगा, रेंडर लेयर। रेंडर लेयर के अंदर हमें ये वर्ल्ड दिखना आ रहा है। ये वर्ल्ड जो है, ये लाइट ग्रे जो है रीजन, इसे हम वर्ल्ड कह रहे हैं। और उसके बाद है कैमरा, और उसके बाद है क्यूब, और ये है लैंप। ये सारी चीजें जो भी हम इस अपने एक्टिव सीन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर रखेंगे, वो यहाँ पर हमें दिखेंगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा राइट टूल बार है उसके अंदर तकरीबन नौ ऑप्शंस हमें दी गई हैं। सबसे पहले है रेंडर की, और रेंडर के अंदर हमें देखें, ये रेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम इस रेंडर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जो भी हमने एनिमेशन क्रिएट होती है, ये उसको एक इमेज की फॉर्म में हमें क्रिएट करके दे देता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब अगर हमने कोई क्लिप क्रिएट की है, एनिमेटेड क्लिप, और उसे हम एनिमेट करना चाहते हैं, सेव करवाना चाहते हैं, तो हम इसे एनिमेशन के बटन को क्लिक करेंगे। ये हमें उसे अपनी जबान में पहले उसे समझेगा और फिर उसे हमें सेव कर देगा हमारी जेप वीडियो फॉर्म में। उसके बाद आती है ऑडियो। ये ऑडियो है, हम चाहते हैं कि जो हमने एनिमेशन क्रिएट की है उसको हम उसके अंदर हम कोई ऑडियो फाइल डाल दें, उसके अंदर कोई ऑडियो फाइल मिक्सअप कर दें, तो हम ऑडियो के बटन से हम उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है रेंडर लेयर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास सीन, और उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्ल्ड। ये सारा जो हमारे पास है, ये है हमारा वर्ल्ड, और इसका कलर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास लैम्प की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और उसके बाद है हमारे पास एज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कहते हैं किसी लिमिटेशंस को, जब भी हमने अपने एनिमेशन के अंदर कुछ लिमिटेशंस डालनी होगी तो वो हम यहाँ से डालेंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास मटेरियल, और इस मटेरियल को यूज करते हुए हम इसके अंदर कलर कर सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी का। और उसके बाद आते हैं हमारे पास टेक्सचरिंग, और उसके बाद आते हैं हमारे पास पार्टिकल सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि इसी क्यूब के अंदर पार्टिकल सिस्टम को एनेबल कर दें, तो हम इस न्यू के बटन को अप्लाई करेंगे और एनिमेशन जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, पार्टिकल सिस्टम इसके अंदर एनेबल होना शुरू हो जाएगा। हम इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं लास्टली हमारे पास है फिजिक्स का ऑप्शन। फिजिक्स के अंदर ऑप्शन के अंदर हमें नजर आ रहा है फोर्स फील्ड, कोलिजन, कॉटन, डायनामिक बेंड और बहुत सारे और फीचर्स। हम स्मोक पार्टिकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं इस जगह पर, तो वो भी हम फिजिक्स के ही मदद से करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है दो तरह के, इस जगह पर देखें हमारे पास मोड्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड और बहुत सारे और मोड। शुरू में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड को ही अंडरस्टैंड करेंगे। उसके नीचे आप देखें, आपको दी गई है टाइमलाइन, और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा क्यूब है ये 0 फ्रेम पर इस पोजीशन पर हो, और फिर ये 20 फ्रेम पर इस पोजीशन पर हो,
और फिर मैं चाहता हूँ कि 40 फ्रेम पर ये इस पोजीशन पर हो, तो और लास्टली मैं चाहता हूँ कि 120 पोजीशन पर ये इस पोजीशन पर आए। ये सब चीज़ें जो है मैं डिटरमाइन करूँगा अपनी टाइमलाइन के अंदर कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन पर होना चाहिए, किस फ्रेम पर। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने इंजन्स हैं ब्लेंडर के अंदर। हमारे पास तीन तरह के रेंडर हैं, ब्लेंडर रेंडर, ब्लेंडर गेम और साइकल्स रेंडर। ब्लेंडर रेंडर के अंदर हमें सिंपल फंक्शनैलिटीज दी गई हैं और उसको हम यूज़ करते हुए अपनी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ब्लेंडर गेम के अंदर हमें फिजिक्स एनेबल हो जाती है जिसकी वजह से हम इसके अंदर गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास साइकल्स रेंडर। साइकल्स रेंडर ब्लेंडर की जान समझी जाती है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स एनेबल हो जाते हैं साइकल रेंडर को यूज़ करते हुए। और जो रियलिस्टिक टाइप की एनिमेशन मूवीज होती हैं वो ही साइकल रेंडर के थ्रू ही बनती हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले लेसन में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लेंडर की मदद से हम क्या कुछ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें।